हॉर्नबिल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट कार की जो हाल ही में रिवील की गई है, अनवील की गई है जेनेवा मोटर शो में। टाटा मोटर्स ने H2X जो उसका कॉन्सेप्ट कार है उसे शोकेस किया है, जिसे हम लोग हॉर्नबिल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इस कार में हमारे लिए, क्या कुछ फीचर्स इस कार में छुपे हुए हैं जो हमें जरूर अट्रैक्ट करेंगे। इसके फ्रंट लुक की अगर बात करेंगे तो ये काफी अच्छा दिखने वाला कार है। टाटा मोटर्स ने काफी हद तक इसमें पुरानी कारों के हिसाब से बदलाव लाए हैं जो आपको काफी हद तक हैरियर का फील करवा सकते हैं, लेकिन ये एक एंट्री लेवल SUV के तौर पे जाना जाएगा, जो एक माइक्रो SUV भी करके जाना जा सकता है। जैसे कि हमने देखा, ये 2019 के जेनेवा मोटर शो में शोकेस किया गया है। ये एक अलग स्पेस, अलग कैटेगरी में लॉन्च किया गया है। अगर आप कॉम्पैक्ट SUV देखेंगे और हैचबैक देखेंगे तो वो दोनों कारों के डायमेंशन के बीच में ये कार कहीं पे फिट होता है। हालांकि इस सेगमेंट में इंडिया में अभी काफी व्हीकल्स अवेलेबल नहीं है, तो टाटा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी और इक्वली रिस्क भी साबित हो सकता है। इसे अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत इग्निस या KUV100 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये कार उनसे डायमेंशन के मामले में थोड़ी सी बड़ी होगी। अगर इसके रियर व्यू की बात करेंगे तो भी काफी बैलेंस्ड लुक आपको देखने को मिल सकता है। काफी एग्रेसिव डिजाइन इसमें किया गया है। टेल लैंप का पोजीशनिंग वगैरह भी आप अगर देखेंगे तो काफी अच्छे तरीके से इसे फिट एंड फिनिश भी मिल सकता है। अगर इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो इसका लेंथ 3840 mm है। इसका विड्थ आप देखेंगे तो 1822 mm प्रोवाइड करा है। इसका हाइट भी अगर आप देखेंगे तो इसके सेगमेंट के अवेलेबल कार से ये थोड़ा सा ज्यादा है, जो 1635 mm है। और इसका अगर व्हील बेस की हम लोग अगर बात करेंगे तो ये 2450 mm हमें मिल सकता है। इसका अगर एक एंगुलर टॉप व्यू अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमें टोटल ग्लास रूफ टॉप देखने को मिल सकता है, जो कि प्रोडक्शन वर्जन का पार्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर इस कार को टाटा को 5-6 lakh कैटेगरी में फिट करना है तो ये फीचर टाटा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। इसके अगर हम लोग अंडरपिनिंग की बात करें तो अल्ट्रा जो कार है इसका प्लेटफॉर्म यूज करके ये कार बनेगी। अल्फा ARC प्लेटफॉर्म, जिसे हम लोग जानते हैं, वो प्लेटफॉर्म पे ये कार बनेगी। इसका प्रोडक्शन स्पेक हम लोग देख सकते हैं 2020 के ऑटो एक्सपो में। आगे बढ़ते हैं, इसके अगर साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो काफी मस्कुलर दिखने वाला, बॉक्सी लगने वाला ये डिजाइन है। जैसे कि हमने देखा कि इसका हेडलैम्प्स जो है वो स्प्लिट है और LED DRS भी आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। हैरियर के जैसा इसका लुक आपको देखने को मिल सकता है। इसके व्हील्स भी आपको स्क्वायर्ड ऑफ मिलेंगे। और अगर शोल्डर लाइन की बात करेंगे तो ये काफी प्रोमिनेंट आपको देखने को मिल सकता है। टाटा की माने तो लगभग 80% तक जो फीचर्स, जो एलिमेंट्स हमें देखने को मिले हैं वो प्रोडक्शन कार का भी पार्ट जरूर होंगे। अगर हम लोग इंजन ऑप्शंस की बात करेंगे तो इसमें अभी तक 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही फिट करा जाएगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि BS6 जब इंप्लाई होगा तो कार में डीजल इंजन होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होंगी। इसके कुछ डिस्टिंक्टिव इंटीरियर फीचर्स भी देखेंगे तो इसमें फैब्रिक स्ट्रैप्स आपको डोर में मिलेंगे, जिसको आप बॉटल होल्डर करके भी यूज कर सकते हैं। इसका अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखेंगे तो पूरा डिजिटल मिलेगा। इसमें आपको 10.2 इंच के दो स्क्रीन मिलेंगे। एसी वेंट्स की अगर बात करेंगे तो इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी आपको ड्रिफ्ट लेस मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको इसमें फैंस या ड्रिफ्ट प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। तो ये कोंडा करके जो सिस्टम है एयर कंडीशनिंग का, जो आपको काफी कंफर्टेबल कूलिंग प्रोवाइड करेगा। अगर आप रियर सीट की भी बात करेंगे तो आपको सिमिलर ड्रिफ्ट लेस एसी वेंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये
आपको एक डिफरेंट लोकेशन में, मतलब जो ड्राइवर और पैसेंजर सीट है उसके बैक साइड में आपको ये वेंट्स देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी अच्छा कूलिंग इफेक्ट ये आपको दे सकते हैं पैसेंजर साइड में भी, रियर साइड में भी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे नए वीडियोस नए व्हीकल्स के बारे में जानने के लिए लाइक करें, सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें।